हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। आज हमारे पास बजाज चेतक का चार्जिंग का जो पूरा सेट आता है वो है। इसमें हमें फॉल्ट कोड किस तरीके से चेक करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जब भी आप चार्जिंग करते हैं और कोई भी एरर दिखाता है या प्रॉब्लम होता है तो किस तरीके से ये इससे हमें पता चले वो मैं आज आपको दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं इसमें टेस्ट, रिसेट, ओके और फॉल्ट, इस तरीके से चार लाइट होती है इसमें। अब जब हम चार्जिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं मोस्टली हमें ये ओके दिखाई देता है। अगर ये ओके दिखाई देता है तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी ये फोल्ड कोड यहाँ पे रेड लाइट दिखाई देता है तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो अब प्रॉब्लम क्या है वो किस तरीके से चेक करें वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो चार्जिंग स्टेशन है इसमें ओके दिखाई दे रहा है। अब हमने ये प्रॉब्लम कोड पहले से प्रॉब्लम किया है और उसमें हम चेकआउट में आपको कराता हूँ। हमने ये प्लग यहाँ से लगा के यहाँ पे दे दिया है आपको दिखाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं इसमें फोल्ड कोड दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको ये फोल्ड कोड दिखाई दे तो मोस्टली इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है कि इसमें जो अर्थिंग आता है वो नहीं मिलता है, इसकी वजह से इसमें ये फॉल्ट कोड दिखाता है। तो जब भी आपका चेतक ईवी चार्जिंग में डाले और इसमें इस तरीके का फॉल्ट कोड दिखाई दे तो इसमें मोस्टली अर्थिंग का प्रॉब्लम होता है। हमने इस सॉकेट में अर्थिंग नहीं डाला है तो इसकी वजह से हमें ये फॉल्ट कोड दिखाई दे रहा है। टेस्टिंग के लिए हमने ये किया है कि आपको पता चले कि अगर आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो उसकी वजह से इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा। तो आप अब चेतक इलेक्ट्रिक लेना सोच रहे हो या आपने ले लिया है तो आपका जो अर्थिंग का प्रॉब्लम है ये 100% सॉल्व आउट कर दीजिए, वरना आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम होता रहेगा। और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।